पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दे पर महत्वपूर्ण योजनाओं पर जो गारंटी दी है उस पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के बाद हम 18 लाख पक्का आवास देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। पीसी में हुए भ्रष्टाचार की जाँच होगी। किसानों को 2 साल का बोनस तक मुफ्त दिया जाएगा। 5 साल में बुनियादी ढांचे के काम की गति बढ़ेगी और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा स्वच्छ प्रशासन देगी। जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पे महत्वपूर्ण योजनाओं पे गारंटी दी है उसमें बड़ी गारंटी आदिवासी भाइयों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का दर 5500 रुपया प्रति मानक बोरा, पहला 15 दिन तेंदुपत्ता तोड़ने का दिवस रखा जाएगा, 4500 रुपया का बोनस देने की बात की हमने घोषणा किया है और चरण पादुका योजना को फिर से वापस लागू करेंगे। फड़ मुंशियों को अतिरिक्त 25,000 रुपया कमीशन वार्षिक मानदेय के साथ दिया जाएगा। जनजाति परिवार को आय में बढ़ोतरी के लिए 2 बकरियां दी जाएगी। 5 लाख वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा। देवगुड़ी के लिए 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हम सब ने इस गारंटी में एक बात स्पष्ट कहा है कि सरकार बनते ही 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट होगा और उस पहला कैबिनेट में ही 18 लाख आवास देने के लिए, पक्का छत देने के लिए जो हमने वादा किया है उस वादा को पूरा करने की काम की प्रक्रिया पहले कैबिनेट से शुरू करेंगे। और ये निर्णय स्पष्ट रूप से किया गया है कि हर जरूरतमंद को 18 लाख पक्के मकान जल्द से जल्द मिले। जो पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाएगी और यूपीएससी के तर्ज में पीएससी की भर्ती होगी। 2 वर्षों से जो पद रिक्त हैं उसकी भर्ती की प्रक्रिया सरकार बनते ही तुरंत शुरू होगी। युवा उद्यम क्रांति योजना में 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए जो वादा हमने किया है उस वादे की शुरुआत 25 दिसंबर को राज निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में सुशासन दिवस के अवसर पे 2 वर्ष का जो बोनस है 4200 रुपया किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। धान खरीदी 3100 रुपया प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल खरीदी यानी 65,100 रुपया एक मुश्त खाते में डाला जाएगा। 2 साल का बोनस भी उनको खाते में एक साथ डाला जाएगा। अलग अलग किस्तों में बोनस ना देकर एक मुश्त बोनस देने की व्यवस्था की जाएगी। माता और बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से महाधारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह 12,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे और ये मोदी जी की गारंटी है। 500 रुपया गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। रेडी टू ईट में जो कांग्रेस ने काम छीना था भारतीय जनता पार्टी इसको वापस ली जाएगी। कर्मचारियों के लिए स्पष्ट रूप से हमने वादा किया है कि जो पंचायत सचिव हैं उनको नियमित करेंगे, उनका बकाया एरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। मितानिन के लिए हम 50% वेतन में वृद्धि करेंगे। सभी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन 15 तारीख के पहले प्रदान किया जाएगा। सफाई कर्मियों के और रसोइयों के वेतन में 50% की वृद्धि की जाएगी और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हमने जो गारंटी दी है उस संकल्प पत्र के एक एक बिंदुओं का हम निराकरण करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों को पूरा किया है, रायपुर शहर, रायपुर को राजधानी के अनुरूप विकास का काम अवरुद्ध हो गया है। नया रायपुर और नया रायपुर को जो विकास हमने 15 साल में किया है उसी रफ्तार से रायपुर के चारों विधानसभा और आसपास के नए रायपुर के क्षेत्र और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी सड़क में गड्ढे गड्ढे पड़ गए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हुए बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में गति 5 साल में आएगी
ईमानदारी के साथ स्वच्छ प्रशासन, जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उन भ्रष्टाचारों की सूक्ष्मता से जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के काम किया जाएगा और स्वच्छ प्रशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में करेगी। ये वादा और ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी।